नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जॉन कीट्स की लिखी गई ऑड ऑन इग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टेंजा नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, स्टेंजा नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा नंबर 4। ओके, अब स्टेंजा नंबर 4 जो है वो एक्चुअली में है क्या और इसमें क्या लिखी गई है, वो सारी बातें हम करेंगे। देखिए, स्टेंजा नंबर 4 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इसमें था हु आर दोज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, कुछ लोग बलि देने के लिए आ रहे हैं, उनको बताया गया है कि हाँ कौन आ रहे हैं, और टू व्हाट ग्रीन अल्टर और मिस्टेरियस प्रिस्ट, उनको क्या बताया है जो बलि देने के लिए जा रहे हैं, उनको ग्रीन अल्टर बताया है और एक प्रिस्ट है उसको मिस्टेरियस प्रिस्ट बताया है। ठीक, इसके बाद में लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोविंग एट द स्काई, और एक बछड़ा है जो कि आसमान की तरफ देख रहा है और वो रंभा रहा है, लोविंग यानी रंभाना। ओके, और लीडस्ट का मतलब वो मिस्टेरियस प्रिस्ट जो है ना वो, और उन इंसानों का को लीड कौन कर रहा है, वो बछड़ा कर रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड ड्रेस, और उसके सिल्कन फ्लैंक्स बताया है। सिल्कन फ्लैंक्स क्या होते हैं, देखो ये सिल्कन फ्लैंक्स, इसका मतलब क्या होता है, उसकी दोनों साइडें जो है ना उनको सिल्कन फ्लैंक्स बताया है, और विथ गार्लैंड ड्रेस, वो किससे सजी हुई हैं, फूलों से सजी हुई हैं, ड्रेस का मतलब सजाना। वॉट लिटल टाउन बाय रिवर और सी, और ये जो छोटा सा टाउन है जिसमें ये लोग बलि देने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार का है, ये छोटा सा टाउन है क्या, वो नदी के किनारे है क्या, वो समुद्र के किनारे, और माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल, या फिर वो एक माउंटेन पे है, माउंटेन पे यानी पर्वत पे है, या फिर वो माउंटेन पे है बिल्ड यानी बनाया गया है एक शांतिपूर्ण किला, पीसफुल सिटाडेल का मतलब शांतिपूर्ण किला है। दूसरा है इज एम्प्टाइड ऑफ इट्स फॉक, और ये शांतिपूर्ण किला जो है ये एम्प्टीड हो चुका है, खाली हो चुका है इसके गानों से। खाली क्यों हो चुका, मैंने बताया कि वो लोग बलि देने के लिए चले गए, यहाँ कोई नहीं है। दिस पायस मॉर्निंग, दिस पायस मॉर्न का मतलब होता है इस पवित्र सुबह में। एंड लिटिल टाउन, और ये छोटा सा शहर, द स्ट्रीट फॉर मोर एवर मोर विल साइलेंट बी, और इस छोटे से शहर की जो ये गलियां हैं वो हमेशा के लिए विल साइलेंट बी, हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं होगा बताने के लिए, सोल का मतलब इंसान से बताया गया, आत्मा से, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। एंड नॉट टू टेल एनीबडीज, ठीक है। नेक्स्ट है वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कांट एवर रिटर्न, व्हाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। अब आगे बताया गया है कि ये जो बलि देने के लिए जा रहे हैं इसकी वजह से ये शहर जो है वो सुनसान हो जाएगा। डेसोलेट का मतलब सुनसान जगह। कैन एवर रिटर्न, और कोई भी लौट कर वापिस नहीं आने वाला है। ठीक है, जो चले गए हैं वो चले गए हैं, और जो यहाँ हैं वो वहाँ हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि वो लोग जो बलि देने के लिए गए हैं उनको जहाँ पर चित्रित किया गया है वो वहीं पे रहेंगे, वो आने वाले नहीं हैं। ये जो गलियाँ हैं ये सुनी वीरान ऐसी ही रहने वाली हैं, और ये गलियां जो हैं, ये शहर जो है छोटा सा शहर, ये रिवर के नदी के किनारे पर है, किसी समुद्र के किनारे पर है, या किसी पर्वतों पर ये बना हुआ है एक शांतिपूर्ण किले के रूप में। ठीक है, ओके, तो ये था स्टेंजा नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 5। ठीक है, स्टेंजा नंबर 5 क्या कहता है। ओ एटिक सेप फेयर एटीट्यूड वाइड ब्रेड, ओ एटिक सेप, ओ एटिक सेप का मतलब क्या होता है, ओ एटिक सेप का मतलब होता है कि ये उससे अर्न को वो कह रहा है
कवि कि अरे यूनानी कला के नमूने। एटिक का मतलब होता है, एटिक शेप का मतलब होता है यूनानी कला। तो वो उसको बोल रहा है कि अरे यूनानी कला के नमूने, तुम जो हो ना वो फेयर एटीट्यूड है तुम्हारी। कैसी एटीट्यूड है? फेयर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति, उसकी उसका रवैया कैसा है, सुंदर या भोला है। तो उसका एटीट्यूड कैसा है? फेयर है। फिर आगे लिखा है, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड वुमेन्स ओवर राइट। ब्रेड का मतलब होता है नक्काशी, उसके ऊपर जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो चित्र अंकित हैं उनको कहते हैं नक्काशी। तो वो उस पे क्या है? नक्काशी है। किसकी है? ऑफ मार्बल मैन, मार्बल से बने हुए मैन। देखो मार्बल का यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है वो मार्बल के नहीं, वो जो कलश है वो मार्बल का है और उसपे जो नक्काशी है वो मार्बल को ही और मार्बल को अंकित करके बनाया गया है, मतलब मार्बल को खोद खोद के बनाया गया है, ठीक है। एंड मेडन्स ओवर राइट, और मार्बल के मैन हैं और मार्बल की मेडन्स, मेडन्स मीन्स वो औरतें। अब ये औरतें जो हैं और ये मैन जो है ये ओवर राइट है। ओवर राइट का मतलब होता है अति उत्तेजित। देखो ओवर राइट का मतलब दो चीज़ों से लिया जा सकता है। एक तो ओवर राइट का मतलब होता है कि भाई उस पे बार बार वो अंकित हैं, जगह जगह पे अंकित हैं, हाँ। एक का मतलब सीधा सा है अति उत्तेजित, और सिंपल सा है, हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो लोग जो हैं उन मेडेंस का पीछा कर रहे हैं, वो उत्तेजित है, वो उनको किस करना चाहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि तुम इनको कभी भी किस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जहाँ है वहीं रहेंगे, ये जवान सदा ही जवान रहने वाली है, तुम्हें ये मिलने वाली नहीं है, तुम इनको पकड़ नहीं सकते, इसलिए इनको क्या कहा है? ओवर रोट यानी अति उत्तेजित। ठीक है, आगे है, विद सॉरी विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीट। अब इनको क्या कहा है कि वो जो अति उत्तेजित या ज्यादा उस पे अंकित है, और वो क्या है? जंगल की टहनियों के साथ अंकित है। किसके साथ? फॉरेस्ट ब्रांचेज के साथ। और एंड द ट्रोडन वीड, और ट्रोडन का मतलब है कुचला हुआ और वीड का मतलब जंगली घास, और कुचला हुआ जंगली घास जो है वो उस पे अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट है, दाउ शैल साइलेंट फॉर्म दो, सॉरी ये दो है, दाउ नहीं है, दो है ये, दो साइलेंट फॉर्म। हालांकि तुम क्या हो? साइलेंट फॉर्म में हो, चुप्पी साधे हुए हो, चुप हो। डोस्ट दीज अस आउट ऑफ थॉट। डोस्ट का मतलब है तुम, टीज यानी चिढ़ाते हो, सताते हो, अस हमें, आउट ऑफ थॉट्स हमारी सोच से तुम परे हो, तुम हमें चिढ़ाते हो और तुम हमारी सोच से परे हो। एज अदर अटर्निटी कॉल्ड पेस्टरल। एज डोथ थरी, ठीक है, एज डोथ अटर्निटी, ये अदर नहीं है यहाँ पे, एज डोथ अटर्निटी। अटर्निटी का मतलब होता है शाश्वत, जैसे कि तुम शाश्वत हो, ठीक है। मतलब दोबारा देखो इसको, दाउ साइलेंट फॉर्म, तुम चुप्पी साधे हुए हो। डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट्स, तुम हमें चिढ़ाते हो, हमारी सोच से भी परे हो। एज डोथ अटर्निटी, जैसे तुम शाश्वत हो, जैसे तुम शाश्वत हो। कॉल्ड पेस्टरल, और कॉल्ड पेस्टरल बताया गया है इसको, इसको फिर से एड्रेस किया गया है। और कोल्ड पेस्टोरल का मतलब होता है अनअफेक्टेड बाय चेंज, यानी ग्रामीण। पेस्टोरल का मतलब ग्रामीण,
एक ऐसा देहाती आदमी जो अनटचेबल है, जिस जो अनअफेक्टेड है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पेस्टरल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट। व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट का मतलब है कि जब बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा का मतलब क्या है यहाँ पे, इसे अर्न का बुढ़ापे की बात नहीं हो रही है, ये कवि खुद के बुढ़ापे की बात कर रहा है। व्हेन ओल्ड एज सेल, जब बुढ़ापा आएगा दिस जनरेशन, तब ये हमारी जो जनरेशन है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, अपनी जनरेशन के लिए बता रहा हूँ कि उस समय वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। दाउ शैल रिमेन, हालांकि तुम भी रहोगे, हालांकि तुम रहोगे इन मिडस्ट ऑफ दोज हूज, इन मिडस्ट ऑफ दो ऑफ अदर हूज देन आवर्स, हालांकि तुम रहोगे आने वाली दूसरी जनरेशन की दुख और चिंताओं के बीच में। देन अवर्स, हमारे बजाय तुम रहोगे आने वाली पीढ़ी के मिडस्ट ऑफ अदर हुई, हुई का मतलब है चिंता। देन अवर्स, उनकी चिंताओं में तुम रहोगे हमारी बजाय। हमारी बजाय का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे भाई, बूढ़े हो जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे का कोई असर नहीं होने वाला है, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए तुम आज जैसे हमारे लिए हो वैसे ही उनके लिए हो जाओगे, और उनकी चिंताओं में, उनके सुख दुख में उनके साथ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेड, तुम मानवता के एक दोस्त हो। ए फ्रेंड टू मैन, तुम मानवता के एक दोस्त हो, यहाँ मैन का मतलब एक आदमी से नहीं है, मानवता से है, कि तुम मानवता के, तुम मनुष्य के दोस्त हो। टू होम दाउ सेड, जिसको तुम कहते हो, क्या कहते हो, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी क्या है, ट्रुथ है, ब्यूटी इज ट्रुथ, इसका मतलब है सुंदरता ही सत्य है। आगे है ट्रुथ इज ब्यूटी, सच्चाई जो है वो सुंदर है, दैट इज ऑल, और यानी ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, सच्चाई जो है वो सुंदर है, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। ये नो ऑन अर्थ, जो कुछ इस पृथ्वी पर जानते हैं हम लोग, एंड ऑल ये नीड टू नो, यही सारा कुछ सार है जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। तो ये था जॉन कीट का लिखा गया ओड, जिसके 5 स्टेंजास थे, हमने एक एक करके 5 स्टेंजा कंप्लीट किए हैं। अब जो है नेक्स्ट एक और पोएम के साथ हम आएंगे, तब तक नमस्कार, गुड बाय।